ये जो गिलोय है इसको हम इस इमाम दस्ते में कूटते हैं, इसको डाल लेते हैं और ऐसे फिर जो है आप लोगों ने देखा होगा पहले घरों में सब जगह हुआ करता था, तो इसको इमाम दस्ते में कूटने से ज़्यादा अच्छे से इसकी पिटाई हो जाती है। जिनको ये सुविधा उपलब्ध ना हो तो इसके छोटे छोटे टुकड़े करके मिक्सिंग में भी इसको कूट सकते हैं। मैं कह रहा था एक व्यक्ति के लिए लगभग इतनी गिलोय पर्याप्त है, लेकिन जिनको ज़्यादा समस्या है, भयंकर अर्थराइटिस है, बहुत ज़्यादा मोटापा है, इम्यूनिटी बहुत कम है, डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है और स्वाइन फ्लू, डेंगू, चिकनगुनिया के लिए तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। कितना ही क्रोनिक अस्थमा है वो सब इससे ठीक होता है, तो उस समय आप ऐसे ये दो डंडी भी प्रयोग कर सकते हैं और पूरा सुबह शाम प्रयोग करना हो तो इतनी गिलोय पूरी की पूरी भी यूज़ कर सकते हैं आप। ताज़ी गिलोय सबसे ज़्यादा फायदेमंद होती है। मैं कह रहा था आप जो है जिस तरह से कूटने के बाद इसकी ये स्थिति हो जाती है जो हमने आपको दिखाई थी, ऐसे ऐसे पीट लेते हैं इसको। जिनको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाना हो तो इसको पीट करके रात को भिगो दें और फिर सुबह, अभी तो जो है इसको पका ही रहे थे तो ये इसका और भी आधा कर सकते हैं उबालते उबालते आप इतना आप रख करके और इसको ऐसे पी सकते हैं, काफ़ी गर्म है अभी। और ये तो बताया मैंने जिनको डायबिटीज़ है, जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जिनका इम्यूनिटी जिनकी बहुत कमज़ोर है उनके लिए। अब इसमें जैसे कोई स्वस्थ व्यक्ति वो पीना चाहता है तो थोड़ा कड़वा लगता है तो आप इसमें एक चम्मच शहद मिला सकते हैं। ये पतंजलि हनी है, हमने इसके ऊपर लिखा हुआ है क्रिस्टलाइजेशन जमना शहद का स्वाभाविक गुण है, ये हमने इसके ऊपर हिंदी और अंग्रेजी में लिखा हुआ है और इसका उद्देश्य यही है कि कुछ लोग समझते हैं कि अरे ये शहद का तो क्रिस्टलाइजेशन हो गया, ये तो कोई नकली शहद तो नहीं है। तो अभी इतनी ठंड में भी यद्यपि ये जमा नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत क्रिस्टलाइजेशन हो सकता है, कुछ लोग तो फ्रिज आदि में रख देते हैं। तो आप ऐसे एक चम्मच आप शहद इसके अंदर मिला सकते हैं और एक चम्मच शहद मिला करके जब आप इसको पियेंगे तो थोड़ी कड़वाहट थोड़ी कम हो जाएगी। ये उनके लिए बता रहा हूँ जिनको डायबिटीज़ आदि नहीं है और गिलोय पीना चाहते हैं इम्यूनिटी के लिए, ठंड के लिए। मैं इसके कुछ लाइव एग्जांपल्स भी आपको दूंगा कि जिन लोगों के ऊपर मैंने ये गिलोय का प्रयोग किया जिनको भयंकर ठंड लगा करती थी, माने पांच पांच कपड़े जिनको पहनने पड़ते थे ठंड में, उन्होंने गिलोय का प्रयोग किया तो मात्र थोड़ा सा हल्का सा गर्म कपड़े से उनका गुजारा हो जाता है। इस गिलोय के बारे में ऐसे तो बहुत सी बात आपको बताना चाहता हूँ। और सुबह सुबह लोग चाय पीते हैं और कई तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं। मैं कहता हूँ सुबह सुबह आप सर्दियों में तो गिलोय की चाय पीजिए, गिलोय का काढ़ा पीजिए। इसको जो है आप आधा भी कर सकते थे, मैंने पूरा ग्लास पी लिया। जिनको ज़्यादा कड़वा लगता हो तो ऐसे ही इसको जितना उबालते उबालते कम कर देंगे उतना कम हो जाएगा। आपके पसंदीदा न्यूज वीडियो देखिए फेसबुक में सबसे पहले। न्यूज के पेज पर फॉलो या फॉलोइंग बटन को दबाएं। नीचे मौजूद तीन ऑप्शन में से राइट साइड वाला सी फर्स्ट चुनें और देखें न्यूज के सभी वीडियो सबसे पहले।